एंड दिस इज सुनील कुमार सुविता एंड वेलकम टू श्री राधा वल्लभ अकेडमी एंड टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आज हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर की हम बात करें, फर्स्ट चैप्टर में क्या डिस्कस करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में केवल और केवल हम बात करें आपकी जो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें पढ़ते हैं सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है एटसेट्रा। बट आज हम जो बात करने वाले हैं जो सेकेंड चैप्टर के बारे में, वो हम डिस्कस करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पर ये दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज अ प्योर सब्सटेंस और सेकेंड इज आपका मिक्सचर। तो बात आती है व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस, क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस। तो हम कह सकते हैं दो सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मटेरियल, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एक ही टाइप के मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं आपका प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब हम बात करें प्योर सब्सटेंस में कौन कौन आता है, प्योर सब्सटेंस की बात करें आपको दिख रहा है एलिमेंट्स भी हो सकते हैं एंड आपके कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही क्या होते हैं आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब एलिमेंट क्या होते हैं ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो हमारी जो प्रेडिक्टेबल है उसमें अबाउट 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, किस किस में आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट इज अ मेटल, सेकेंड इज अ नॉन मेटल, थर्ड इज अ मेटलॉइड्स। अब बात आती है कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, व्हाट इज अ मेटल। तो दोज एलिमेंट्स कंडक्ट हैव इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर पाते हैं उसे हम कहते हैं आपका मेटल। 118 एलिमेंट्स ही हम बात करें उसमें से अबाउट 90 प्लस जो एलिमेंट है वो मेटल ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर पाते उन्हें क्या कहते हैं आपका नॉन मेटल कहते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट दोज एलिमेंट जिसमें दोनों प्रॉपर्टी कंटेन होती हैं, उन्होंने कौन कौन सी, मेटल की प्रॉपर्टी भी और आपका नॉन मेटल की भी, मीन्स दे लुक लाइक अ मेटल बट दे डू नॉट कंडक्ट हैव हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, आपके कंपाउंड को ये डिटेल में पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे मिक्सचर्स के बारे में, मिक्सचर क्या होता है आपको दिख रहा हो, मिक्सचर आपके दो टाइप का है, एक होमोजेनस मिक्सचर और सेकंड क्या दिया है बेटा आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस मिक्सचर की हम बात करें तो आप देख रहे हैं होमोजेनस मिक्सचर को किस में क्लासिफाई किया है, किस में हम डिस्कस करना है इसके बारे में, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। और हेटेरोजेनस मिक्सचर दो के बात करें तो यहाँ हम दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फर्स्ट इज अ कोइडल सॉल्यूशन और सेकंड इज आपका सस्पेंशन की हम बात करें। तो आपके चैप्टर में बेसिकली आपके मिक्सचर्स एंड कंपाउंड के बारे में मेंशन किया गया है जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके,